स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों आपने रेलवे के वेबसाइट में IRCTC iPay का ऑप्शन देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर आपने नहीं देखा होगा तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में उसके बारे में इसी तरीके से जान लेंगे। और दोस्तों एक बार आपको IRCTC ऑटो पे वाला ऑप्शन यूज करने के लिए दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम एक बार टिकट आपको निकालना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको दो एक या दो आई में आपको जो भी टिकट बुक करना हो दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, तो ही दोस्तों आपको जो ऑटो पे का ऑप्शन है वो एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव दिखाऊंगा, दोस्तों आप ध्यान से देखिए तो इसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप उसी नंबर वही मोबाइल नंबर आप उसमें लिंक कीजिए जो आपके IRCTC अकाउंट में लिंक हो। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए और दोस्तों ध्यान से देखिए तो दोस्तों आपको इसी तरीके समझ में आ जाएगा। और दोस्तों हाँ, रेलवे बोलती इससे तत्काल चुटकियों में बुक होगा, एक बार आप केवल सिलेक्ट कर लीजिए तुरंत ऑटो पे हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे रहेगा दोस्तों। एक दोस्तों मैं आपको आज दोस्तों मैं आईडी फाइनली एक्टिवेट करके आपको दिखा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देखूंगा कि ऑटो पे वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तुरंत टिकट बुक होता है नहीं होता है। तो दोस्तों चलो हम वीडियो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेके। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं दोस्तों। बैकग्राउंड दोस्तों आपको फ़ोन पे ओपन कर लेना, क्योंकि फ़ोन पे ज़्यादा बेटर रहेगा, उसका सर्वर कभी नहीं डाउन चलता है। तो फटाफट दोस्तों हमको यहाँ पे तीन टिकट निकालना है, जो कि दोस्तों प्रयागराज से जंघई का निकालना है। तो दोस्तों ये सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले दोस्तों आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर जाना है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको सिंपली टैप करना है, दूसरे किसी ऑप्शन पर नहीं टैप करना है, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद पे नाउ पर सिंपली आपको टैप कर देना है। दोस्तों ये थोड़ा है अलग से 1.8% चार्ज भी लेता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटो पे वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको तीन ही ऑप्शन मिलेगा, बट आपको UPI ही सिलेक्ट करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको UPI ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद पे नाउ पे सिंपली दोस्तों आपको टैप कर देना है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों मैं आपको बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है आप वही मोबाइल नंबर का यूज कीजिए। उसके बाद दोस्तों उस पर एक OTP आएगा, OTP दोस्तों डाल के आप वेरीफाई करना है आपको। ये OTP आ चुका है दोस्तों, OTP मुझे डालना है। उसके बाद वेरीफाई OTP सिंपली आपको टैप कर देना, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे UPI ID डालना है फ़ोन पे का। तो सिंपली दोस्तों मैंने कॉपी करके रखा था, बैकग्राउंड दोस्तों आप फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करके रखे, ये मैं यहाँ पर दोस्तों सिंपली पेस्ट कर। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली एक बार फ़ोन पे ओपन करके देखना है कि उसमें कोई रिक्वेस्ट आ रहा है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक आपको रिक्वेस्ट मिल रहा है, तो सिंपली दोस्तों आपको इस पर व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको टैप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पे ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो आपका पिन है वो फिल करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो पे सक्सेसफुल हो चुका, वापस हमको बैक करके वहीं पे जाना है। तो हम यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे हम वापस पहुँच गए। तो देख सकते हैं दोस्तों ये प्रोसेसिंग हमारा, दोस्तों ये टिकट बुक करके दे दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑटो पे वाला ऑप्शन हमारा हो चुका है दोस्तों। मतलब रेलवे क्या बोलती है कि स्टार्टिंग में आपको एक बार ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करना रहता है, मतलब एक बार एक्टिवेट करना रहता है। दोस्तों फाइनली एक्टिवेट हो चुका है, आप देख सकते हैं टिकट भी दोस्तों हमको यहाँ पे मिल चुका है। टिकट दोस्तों यहाँ पे हमको मिल गया। आप दोस्तों जो मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा, जो आई मीन इसके बाद का वीडियो बनाऊंगा, उसमें दोस्तों मैं लाइव आपको तत्काल टिकट या फिर ऐसे टिकट बुक करके दिखाऊंगा जिसमें हम सीधा देखते हैं कि ऑटो पे वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो टिकट बुक होता है कि नहीं होता है, फिर रेलवे हमको केवल बेवकूफ़ बना रही है। सो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।